14 जून 2023 को मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा और उस टाइम पे उस वीडियो पे अराउंड 4 लाख व्यूज थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक ड्रॉप शिपिंग वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं जो बाकी के यूट्यूबर्स है उनसे काफी अच्छा बना। वीडियो बनाने से पहले मुझे खुद को ड्रॉप शिपिंग करनी थी, तो मैंने एक हफ्ते के लिए ड्रॉप शिपिंग किया। जो भी प्रोसेस थे, मेरे पहले दिन पे क्या हुआ, दूसरे दिन पे क्या हुआ, उन सबको मैं नोट करते गया और मैंने मेरी ड्रॉप शिपिंग एक हफ्ते का चैलेंज कंप्लीट किया। चैलेंज तो हो गया था, लेकिन अब बारी थी एक वीडियो बनाने की। वीडियो के लिए सबसे पहले स्क्रिप्ट चाहिए होती है। मैंने सोचा वीडियो को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मुझे उसमें थोड़ी कॉमेडी करनी पड़ेगी, तो फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और बीच बीच में मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉमेडी की लाइंस लिखता गया। लेकिन मैंने लेआउट के हिसाब से बराबर 7 दिन की स्क्रिप्ट बना दी थी। तो स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद बारी थी शूटिंग की। अब मैं तुम्हें सबसे पहले मेरा इक्विपमेंट बता देता हूँ कि उस टाइम पे मेरे पास क्या क्या था। मेरे पास उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, बट मैंने कुछ नॉर्मल इक्विपमेंट्स बनाने का ट्राई किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सॉफ्ट बॉक्स लाइट बनाई, एक ऐसी लाइट जिसको लोग फेस के सामने रखते हैं। अब तो मेरे पास प्रोफेशनल लाइट है, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैं यूट्यूब पे गया और वहां पे मैं देखने लगा कि खुद से सॉफ्ट बॉक्स लाइट कैसे बनाते हैं, और मैंने ये वाला वीडियो देखा और इससे मैंने कार्डबोर्ड की लाइट बनाई, वो कुछ ऐसी दिखती थी। अब उसके बाद बारी थी बैकग्राउंड लाइट की। अब बैकग्राउंड में उस टाइम पे कलरफुल लाइट मेरे पास बिल्कुल नहीं थी। अब तो प्रोफेशनल लाइट है जिसमें मैं कलर्स चेंज कर सकता हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बल्ब लिया और उसके ऊपर वैक्स कलरफुल पेपर लाया, रेड कलर का था मेरे पास उस टाइम, तो मैंने उसे लगाया और फिर मेरा बैकग्राउंड अलग दिखने लग गया। मेरे पास बैकग्राउंड की लाइट थी, मेरे फेस के लिए लाइट थी, ऑफकोर्स ट्राइपॉड नहीं था, लेकिन उसका जुगाड़ मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने कैसे किया। अब बारी थी शूटिंग की। तो मैं क्या चाहता था कि मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट का एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, यानी कि मैं पूरी स्क्रिप्ट को एक जगह बैठ के बताऊंगा और उसके बाद में मैं उसके ऊपर जो मेरे सीन्स है वो डालूंगा। और फिर मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैं एक जगह पे बैठा था और मैं पूरी स्क्रिप्ट को बोल रहा था, सेम जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। और सच कहूँ तो उस टाइम पे मुझे एडिटिंग भी कुछ खास नहीं आती थी, बस बेसिक एडिटिंग आती थी। और मेरा यही था कि मुझे कोई भी इसमें एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये सब कुछ भी डालना नहीं है मुझे। तो बस मैंने सोचा कि मैं भी इसे एज अ मूवी टाइप ही एडिट करूंगा। सबसे पहले मेरा जो 24 मिनट का वीडियो था, उसमें से जो मेरे गलत टेक्स्ट थे, जो मेरे स्क्रिप्ट में जो लाइन बोल रहा था, मैंने उन सब पार्ट्स को हटाना शुरू किया। और 24 मिनट के वीडियो में से मैंने 7 मिनट बाहर निकाले जिसमें मैं एक्चुअल में सही स्क्रिप्ट बोल रहा था। फिर मेरे पास वो 7 मिनट का वीडियो था, लेकिन अब बारी थी उस पे सीन्स डालने की। तो अब सीन्स को लिखने के लिए मैंने वो 7 मिनट का वीडियो को शुरू किया और जो वीडियो में लाइन्स में बोल रहा था उस हिसाब से मैं सीन्स लिख रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेरी लाइन में बोला कि मेरा फेसबुक एड अकाउंट बैन हो गया, तो मैंने वहां पे लिख दिया था कि मुझे एक ऐसा सीन करना है जिसमें मैं दिखा रहा हूं कि मैं बहुत दुखी हूं। बस मेरे व्यूअर्स को दिखाना चाहता था कि मेरा इमोशन उस टाइम पे कैसे था जब मेरा एक्चुअल में फेसबुक एड अकाउंट बैन हुआ था। एनीवेज, मैंने कम से कम 40 से 50 सीन्स लिखे थे मेरे वो पूरे वीडियो के लिए, और अब बारी थी उन सीन्स को शूट करने की। अब मैं एक जगह बैठ के वो सीन्स को शूट नहीं करने वाला था, मैं सोचा था कि मैं उन्हें अलग अलग रूम में अलग अलग जगह करूंगा ताकि तुम लोगों को भी थोड़ा मजा आए। बस फिर मैंने वैसे ही किया, मैंने सीन्स को भी अलग अलग जगह शूट करना शुरू किया। एनीवेज, मैंने सीन्स की भी शूटिंग को कम्प्लीट कर दिया। बारी थी सीन्स को मेरे 7 मिनट वाले वीडियो में डालने की। तो बस मैंने कैपकट में जाके ओवरले किया और जो भी लाइन थी उस हिसाब से मैंने उसके ऊपर एक सीन डाल दिया। बहुत सिंपल था, और वैसे करके मैंने हर जगह सीन्स डाल दिए और मैंने सारे क्लिप्स में जूम इन और जूम आउट रख दिया, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा बोरिंग लगे। मैंने थोड़ा इधर उधर में ट्रांजिशन डाल दिया, फिर मेरा वो वीडियो तैयार हो चुका था। और मैंने यूट्यूब से फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाउनलोड कर लिया था और फिर मैंने उसे लगा दिया था। मेरा वीडियो कम्प्लीट हो चुका था, लेकिन मैं एक चीज भूल गया था, मैंने थंबनेल ही नहीं बनाया। ना ही मेरे पास थंबनेल का कोई डिजाइन था, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था मैं कैसे बनाऊंगा। तो मैं यूट्यूब पे गया और मैं देखने लगा कि दूसरे लोग कैसे बना रहे, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा उनका कॉपी कर लूंगा। मैंने जो मेरे स्क्रिप्ट को शूट करने के लिए जो सेटअप बनाया था, मैंने सेम वही सेटअप बनाया और फिर मैंने वहीं पर एक थंबनेल बनाया। फिर 4 जुलाई 2023 को मैंने YouTube पे वो वीडियो को अपलोड किया और फिर एक महीने में 3,50,000 व्यू, 10,000 प्लस सब्सक्राइबर और 18,000 घंटे का वॉच टाइम। मेरे वीडियो पे दिन के हजारों व्यूज आने लग गए और इस वीडियो के बाद से मेरी लाइफ चेंज हो गई। पहले चलते हैं 2019 में। 2 नवंबर को मैंने मेरा पहला YouTube पे वीडियो अपलोड किया, वो ये था। और फिर मैंने 2 साल उस चैनल पे मेहनत की और उस पे मुझे टोटल 300 सब्सक्राइबर्स ही मिले। और फिर मैंने वो चैनल पे वीडियोस डालना बंद कर दिया, फिर मैंने एक और चैनल खोला, उस पे ट्राई किया, फिर एक और चैनल खोला, उस पे मैंने 2000 सब्सक्राइबर्स तक गेन किए, लेकिन फिर एक टाइम पे वो दोनों चैनल्स को मुझे बंद करना पड़ा। 1 साल तक मैंने यूट्यूब पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। और सच कहूँ तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक यूट्यूबर बनूँ और ये बाकी के जितने भी बिजनेस वगैरह वो सब चीज़ें उसमें मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं। बट फिर मैंने धीरे धीरे ड्रॉप शिपिंग करना शुरू किया, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बेचना शुरू किया और ऐसे ही कुछ ना कुछ साइड हसल्स में करता रहा। और फिर मैंने वो 4 जुलाई को वीडियो अपलोड किया
और उस वीडियो की वजह से मेरा चैनल एक्सप्लोड हो गया। और उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि अब मुझे कोई भी दूसरी इधर उधर चीज़ नहीं करनी, अब मुझे बस YouTube पे फोकस करना। एनीवेज, तो जब मेरा पहला वीडियो एक्सप्लोड होने लग गया तब मुझे कमेंट्स में सब लोग बोल रहे थे कि ड्रॉप शिपिंग पे और वीडियोज़ बनाओ, तो मैंने वही किया। और फिर मैंने वो वीडियो डालने के बाद में 5 ड्रॉप शिपिंग के वीडियोस और बनाए। इन सच कहूँ तो उस टाइम पे मैं खुद बोर हो गया था, क्योंकि हर बार ड्रॉप शिपिंग का वीडियो, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नया करना चाहिए। फिर मैं 2 दिन तक ढूंढता रहा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपनी ऑडियंस को एक नया बिजनेस बता सकूँ और जो थोड़ा आसान भी हो, और वो टॉपिक मेरे को नहीं मिला। लेकिन मैंने एक नया वीडियो आइडिया ट्राई किया। अब देखो, उस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था। आई नो, दुख होता है वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं तब, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। तो उस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ड्रीम 11 पे एक वीडियो बनाया जाए। फिर मैंने ड्रीम 11 चैलेंज का एक वीडियो बनाया और आज तक वो मेरे चैनल का सबसे लीस्ट व्यूड वीडियो है। किसी को भी वो वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ड्रॉप शिपिंग पे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो मैंने एक और वीडियो ड्रॉप शिपिंग पे बनाया। मैं परेशान हो चुका था, अब बस मुझे एक नए तरीके का वीडियो बनाना था। फिर मुझे एक पुराना बिजनेस याद आया जो मैं इंस्टाग्राम से करता था, इंस्टाग्राम अकाउंट फार्म। मैं अकाउंट्स को सस्ते में खरीदता था, उन्हें ग्रो करके वापस आगे हायर प्राइस में बेचता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया, आई ट्राइड लेजी वेज टू मेक मनी, और इसमें मैंने अराउंड 7 वेज ट्राई किए। और इसमें मैंने रीसेलिंग ट्राई किया था, इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह बेचे थे और भी 3-4 बिजनेसेस किए थे। और उस वीडियो को आज के टाइम पे 5 लाख व्यूज है और ज्यादातर लोगों को उसमें से 2 बिजनेस पसंद आए, रीसेलिंग और इंस्टाग्राम अकाउंट सेलिंग। और लोग कहने लग गए कि इस पे और वीडियोस बनाओ। तो फिर उसके बाद में मैंने एक और वीडियो बनाया और उसमें मैंने एक चैलेंज किया कि मुझे इंस्टाग्राम पे 10,000 रुपए कमाने होंगे, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। फिर उसमें मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट रीसेलिंग की। मेरे सब्सक्राइबर्स को वो बहुत अच्छा लगा, सब लोग बोल रहे थे कमेंट में कि यार ये बिजनेस बहुत बढ़िया। और इस चीज़ से मुझे पता पड़ गया था कि मेरे सब्सक्राइबर्स को ऐसे बिजनेसेस अच्छे लगते हैं जो इंस्टाग्राम से कर सके। बस फिर मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने लग गया। तो अब तक मेरा चैनल उस टाइम पे काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी और वो थी वीडियोस बनाना। मुझे वीडियोस बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं एक रूम में बैठ के नहीं वीडियोस बनाता हूँ, मैं हर रूम में अलग अलग जगह शूटिंग करता हूँ। और ऑफकोर्स घर में ये सब करना इतना आसान नहीं है, और इसी वजह से मेरी वीडियोस हमेशा लेट आती थी। और तुम लोग बोलते हो कि भाई वीडियो क्यों नहीं डालता। फिर इसी को सॉल्व करने के लिए मैंने एक नया स्टूडियो बनाया। 5 महीने से मैं इधर ही वीडियोस बना रहा हूँ। एनीवेज, तो मेरा स्टूडियो कंप्लीट हो चुका था और फिर मैं अपने अगले वीडियो के बारे में सोचने लगा। टाइम पे IPL चल रहा था और फिर मुझे एक वीडियो आइडिया मिला। मैंने जो मेरे पहले 10,000 रुपए कमाए थे वो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बेच कर ही कमाए थे, और फिर मैंने उस पर वीडियो बनाया और वो वीडियो भी वायरल हो गया। उसे 6 दिन में 1 लाख व्यूज आए। मेरे सब्सक्राइबर्स को वो वीडियो बहुत पसंद आया। और बस उसके बाद से मैंने और चैलेंज टाइप वीडियोस बनाए और जुलाई 19 को मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और मैं तुम लोगों को इसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। ये सब चीजें तुम्हारी वजह से हुई है। और मेरा अगला वीडियो होने वाला है आई ट्राई 10 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। तो जैसे ही हमारे चैनल पे 1,20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा।